तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ आर इज अ रिलेशन और द सेट ए इज इक्वल 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल क्या क्या है। पहला कंपोनेंट अगर हम देखें, पहला ऑर्डर पेयर सॉरी अगर हम देखें तो क्या है, वन और वन दोनों कंपोनेंट सेम, 2 कॉमा 2 ठीक है, फिर 3 कॉमा 3, देन द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिलेबस में सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर तीनों तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव भी दिया है, सिमेट्रिक भी दिया है, ट्रांजिटिव भी दिया है, और लास्ट में डी जो है वो इक्वावेलेंस। इक्वावेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। क्या ये जो रिलेशन आर है ये वाला ऐसा तो नहीं, इसका हर ऑर्डर्ड पेयर सभी कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है? क्यों? अगर हम देखें थोड़ा सा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, चलो जरा जल्दी जल्दी में रिवाइज कर ले। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, जो भी ए कॉमा ए मतलब दोनों कंपोनेंट ऑर्डर पेयर के कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए और वो रिलेशन आर के मेंबर होने चाहिए। सही है, फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट है अगर हम ए की बात करें, जितने भी होने चाहिए वो सारे के सारे किसमें मेंबर होना चाहिए, कैपिटल ए के। तो बड़ी खुशी की बात है कि 1 कॉमा 1 वो भी कैपिटल ए का मेंबर है, 1 है तो वैसे ही 2 कॉमा 2 भी है, 3 कॉमा 3, मतलब रिफ्लेक्सिव आपको पहली नजर में लगेगा कि हो गया, बट रिलेशन जब भी आप देखो तो आपको सबके बारे में सोचना चाहिए, सिमेट्रिक की भी कंडीशन को देखना चाहिए, ट्रांजिटिव की भी कंडीशन को देखना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव की। क्या इसमें ये पास हो गया, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है ठीक है, मगर उससे पहले थोड़ा सिमेट्रिक के बारे में भी देख लो। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, जल्दी जल्दी देखें कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर का मेंबर है, मतलब ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर का मेंबर है तो बच्चों बी कॉमा ए भी रिलेशन आर का मेंबर होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर 1 कॉमा 1 ले लिया वो बिलोंग कर रहा है आर में, सही, तो अगर हम इसके प्लेस जो डिजिट्स हैं या कंपोनेंट हैं अगर इनको इंटरचेंज करें ऑर्डर पेयर के, तब भी तो भाई 1 कॉमा 1 ही तो होगा। मतलब क्या कि सर ये तो सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि 1 कॉमा 1 जब इसको इंटरचेंज करोगे फिर से आपको 1 कॉमा 1 मिल जाएगा। तो क्या वो रिलेशन आर का मेंबर है? हाँ है भाई, है ना आर का मेंबर। वैसे 2 कॉमा 2 भी हुआ, वैसे 3 कॉमा 3 भी हुआ, तो इसकी वजह से मतलब ये तो सिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसमें भी पास हो गया, मतलब ये तो सर सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के केस को समझे, ट्रांजिटिव का केस क्या था कि अगर अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, सही है, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, ट्रांजिटिव पे दो केस होते हैं पहले तो ये समझ लो, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में, डेफिनेटली करेगा, देख भी रहा है करेगा कि नहीं करेगा। अब अपने केस में यहां पर देखें कि अगर 1 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है आर में तो उसका सेम कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर में सेम होना चाहिए। हम कब कह रहे नहीं है, लो 1 कॉमा 1 कर दिया, फिर से लिख दिया बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज डेफिनेटली बच्चों इसका ए और सी पकड़ो कहां पे है, ये रहा ए और ये रहा चेक कर लो सी, तो क्या वो 1 कॉमा 1 होगा, रिलेशन आर का मेंबर है ना सर। अरे ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, कहने का मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसे होगा, इक्वावेलेंस होगा, ये कह रहा था मैं। जो बच्चे कन्फ्यूजन में थे उनकी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि आपको हर ऑर्डर पेयर चेक करना है ठीक है, कि वो कंडीशन में पास तो नहीं हो रहा है, और अगर कहीं फेल हो गया तो फिर वो फेल, ये मान के चलो सीधा। अगला देखिए, तो आपका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें क्या दे रखा है, आपकी बार सेट ए है ये वाला 1 2 3, देन द रिलेशन आर, रिलेशन आर में केवल एक ही ऑर्डर पेयर दे रखा है 2 कॉमा 3। अब बताइए क्या है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, ये फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकेंड कंपोनेंट, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। ये रिलेशन आर ऑन ए का मतलब क्या है, कि रिलेशन आर सच दैट ए अप्रोचेस टू ए, ठीक है, बट वो तो भाई रिफ्लेक्सिव तो फेल हो गया, दोनों सेम होना चाहिए तो नहीं हो सकता ठीक है। अब बची बात कि अगर सिमेट्रिक है तो मतलब 2 कॉमा 3 अगर बिलोंग कर रहा है तो 3 कॉमा 2 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 2 कॉमा 3 तो है, 3 कॉमा 2 नहीं है तो फेल हो गया, है ना, सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये भी फेल हो गया ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तो दोनों ही फेल हो गए, है ना, मतलब दोनों का मतलब अभी ट्रांजिटिव ना भी चेक करें तो भी सिमेट्रिक तो लिखा है सर इसमें, तो इसकी वजह से फेल हो गया। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशन आर, इसमें हमने कहा था कि एक कंडीशन और बताएंगे तुम्हें, क्या कंडीशन थी,
एक कंडीशन तो ये आप लोगों ने अभी तक देखी है, ठीक है। एक और है कि अगर ए कॉमा बी ट्रांजिटिव के केस में, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है ना, एंड बी कॉमा सी नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन आर का मेंबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी मेंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। मतलब अपने क्वेश्चन में देखें तो 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, सही है। एंड अब बी सेम होना चाहिए, मतलब पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए। भाई साहब है ही नहीं, 2,3 के बाद कोई कंपोनेंट है ही नहीं। मतलब आप कह सकते हो कि आपको 3, किस कोई टर्म यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो दिस इंप्लाइज आप लोग समझ गए होंगे कि ये कंडीशन हुई, ये भी तो भाई है उसका मेंबर है ही नहीं। मतलब बी कॉमा सी नहीं है तो ए कॉमा सी भी नहीं होगा, तो मतलब ये हुआ कि ये तो ट्रांजिटिव होगा एज पर द कंडीशन, एज पर द रूल। तो आंसर इज ट्रांजिटिव, दैट्स इट। ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या लिख रखा है। सॉल्व फॉर एक्स साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल 5/2 होना चाहिए, सही। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट थोड़ा क्वेश्चन अपने में गजब का है, थोड़ा सा देखिए। साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल 5/2, सही। चलिए आइए देखते हैं। तो सॉल्व करने का पहला प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा और सॉल्यूशन में ये स्टेप लिखी जाएगी, ठीक है। इस स्टेप को लिखना जरूरी है। अब आइए जरा देखिए ध्यान से कि साइन इनवर्स ऑफ 1 - x की वैल्यू क्या हो जाएगी। बच्चों ये हो जाएगी 5/2। नेगेटिव वाला टर्म जो है ना, नेगेटिव 2 साइन इनवर्स x, इसको ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 साइन इनवर्स x, पॉजिटिव 2 साइन इनवर्स x हो गया। और हम सब जानते हैं अगर इनवर्स साइन इनवर्स है उस साइड लेके जाते हैं तो 1 - x इज इक्वल क्या हो गया, साइन ऑफ 5/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो गया। साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन इनवर्स x, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, 5/2 रेडियन में लिख रखा है। साइन 5/2 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाओगे तो कितना भी कर लो साइन पॉजिटिव ही होता है, क्या बचा, कॉस 2 साइन इनवर्स x। अब यहां पर बारी है एक फार्मूला लगाने की। फार्मूला क्या होगा, एक ऐसा फार्मूला जिससे अंदर की चीज जो है वो पहली बात तो कॉस इनवर्स में आ जाए, ये टारगेट होना चाहिए। कैसे टारगेट पूरा हो, आओ जरा देखते हैं। हमारे पास कोई फार्मूला है जिस जो कॉस और साइन से कनेक्ट हो, मतलब जिसका रिजल्ट मिले और रिजल्ट किस में आ जाए, 2 साइन इनवर्स x आएगा, बट वो किस में निकलना चाहिए, 2 साइन इनवर्स x किसी ऐसा रिजल्ट में आने चाहिए, किस इस तरीके से आना चाहिए जिसमें कॉस इनवर्स आए। चलो आओ तो देखते हैं कैसे। अगर मान लो इसको लिखें, लेट ध्यान से देखना कैसे वर्क करता है, कॉस 2 थीटा इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला है भाई, इज्जत दो इसको। कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला लिख रखा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों बताओ, अच्छा 2 थीटा कितना हुआ, 2 थीटा इज, हम चाहते थे ना अंदर में क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स आना चाहिए, अब बताओ आ गया कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लो बताओ, अगर ना आ रहा हो तो बिल्कुल आ रहा है। अब मैं एक छोटा सा काम, मैं ये कह रहा हूं कि लेट कर लें, लेट वन मोर टाइम, नाउ मान लो कि अगर हम साइन थीटा को एक्स ले लें, ठीक है, ये इक्वेशन डाल दें, मान लो एक इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इसको सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, साइन थीटा को एक्स ले लिया, सही है, किसी को दर्द हो तकलीफ हो तो बताना जरूर। तो साइन थीटा इज इक्वल एक्स, ओके। अब बताओ मुझे कि अगर साइन थीटा एक्स है तो थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ सर साइन इनवर्स एक्स। क्यों क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि मुझे किसी न किसी तरीके से इस इक्वेशन से रिजल्ट निकालना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जरा एक गजब की चीज देखें, ध्यान से देखें एक बार, प्यार से देखें,
इज्जत दे इसको। तो टू थीटा, अब टू और थीटा कितना, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल कॉस इनवर्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन थीटा एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया एक्स स्क्वायर। क्या हमने टू साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में निकाल लिया है? बिल्कुल निकाल लिया है, तभी तो दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइनली हमने जो डिमांड थी वो हमारी पूरी हो गई कि वन माइनस एक्स इज इक्वल बच्चों कॉस है ना, कॉस टू साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं आज की डेट में, टू साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें एक तरीके से ये फार्मूला हम सब ने क्रिएट कर दिया है ना, याद नहीं किया, क्रिएट कर दिया। तो रिजल्ट क्या आया, इससे रिजल्ट मिला कि वन माइनस एक्स इज इक्वल फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, मतलब वन माइनस टू एक्स स्क्वायर होता है, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, वन से वन शहीद हो गया आजादी दिला दी इसको। तो क्या बचा, निगेटिव टू एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स इज इक्वल जीरो। ठीक है बच्चों, और बताओ क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स जैसे ही तुमने कॉमन लिया क्या मिला, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो। मतलब कोई दो नंबर है एक्स और एक है टू एक्स माइनस वन, जिसका आपस में मल्टीप्लाई अगर करें तो जीरो आता है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो इसके रूट कितने निकलते हैं, दो निकलते हैं है ना। तो बताओ पहला रूट क्या आया, पहला आया कि x इक्वल जीरो और दूसरा आ गया 2x माइनस वन इक्वल जीरो, मतलब आप कह सकते हो x इज इक्वल वन अपॉन टू। तो इसके दो रूट आए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सही कौन सा है ये कैसे पता करोगे कि सही कौन सा है, बताओ कैसे पता करोगे कि आपका सही कौन सा है, ये सोचने वाली चीज है आप सबके लिए। बताइए कौन सा सही, आप कैसे चेक करोगे, फील करो कैसे, भैया अपने क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं पे होगी, अपने क्वेश्चन में क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं पे होगी, तो ये रही वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये रही अपनी एक्स की वैल्यू रखते हैं जिसमें सेटिस्फाई कर दिया, जिसमें आर एच एस आ जाए, मतलब अपना वही आंसर, सीधी थ्योरी नो बकवास। चलिए तो चलते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 1 बाई टू ले लें, इफ x इज इक्वल 1 बाई टू, देखते हैं क्या ये सही वैल्यू होगी x की, देखते हैं। x इज इक्वल 1 अपॉन 2 लिया तुमने, किस में पुट करोगे, RHS में पुट करोगे, एक नंबर के गधे हो भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग तो नहीं कर सकते हो, तो भाई पाई बाई टू, पाई बाई आर एच एस में पाई बाई टू रख रहे हैं, और रखना है सर x, 1 बाई टू कहां से रख दोगे जब x है ही नहीं, तो LHS लेंगे, ऑन टेकिंग LHS, जैसे ही LHS लिया क्या मिला, LHS देखते हैं क्या है सर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, ले लिया। आइए जरा x के प्लेस पर रखते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, सही है, बताओ बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन 2 वेरी टफ बताओ 1 माइनस 1 अपॉन 2 सर 1 अपॉन 2 2 बन जाए 2 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 मतलब साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 और माइनस का 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 बताओ कौन सा सही है। अभी सही कहा सर, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस का 2 साइन, मतलब समझ रहे हो x माइनस 2 एक्स माइनस का x सर, तो वैसे ही साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना हो गया, माइनस का साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 है ना, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 देखने से कुछ पता चल रहा है, 1 अपॉन 2 क्या होता है, ये तो सर साइन 30 डिग्री है ना, साइन पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, चलो होशियार हो गया तुम लोग, साइन इनवर्स रेडियन में किसकी वैल्यू होगी, क्लास 9th मतलब साइन 30 डिग्री, क्लास 12th मतलब साइन पाई बाई 6 इतना अंतर है 9th और 12th में, तो साइन पाई बाई 6
है ना। फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है एक्स, वैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय सिक्स होता है पाई बाय सिक्स, बट ये तो सर माइनस में आ रहा, लाना था पॉजिटिव में पाई बाय टू, मतलब कि ये एक्स इक्वल वन अपॉन टू इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, मतलब कह सकते हो कि ये रूट है ही नहीं, ये रूट है ही नहीं। ठीक है, अब इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सीधी सी बात, तो मतलब भाई पाई बाय माइनस का पाई बाय सिक्स लाना है पाई बाय टू, तो ये तो गलत हो गया। ओके सो नाउ अब इधर चेक कर लो, ये तो गलत हो गया। अब नाउ फॉर किसके लिए चेक करना पड़ेगा, एक्स इक्वल जीरो, ठीक है। नाउ एक्स इज इक्वल, फॉर एक्स इज इक्वल जीरो, जरा देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक के लिए, बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है। तो अगर एक्स इक्वल जीरो के लिए फिर से वही ले लेते हैं, ऑन टेकिंग एल एच एस, ऑन टेकिंग एल एच एस, आइए देखिए, तो साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, सही है। देखो रखो एक्स के प्लेस पर जीरो बेटा, साइन इनवर्स वन माइनस जीरो माइनस टू साइन इनवर्स जीरो, सही है। आओ जरा साइन इनवर्स वन माइनस जीरो, भाई वन होता है, माइनस टू साइन इनवर्स जीरो को हम क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन जो है कभी जीरो होता है? हाँ सर होता है, साइन जीरो जीरो बच्चों, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, साइन जीरो है ना। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन जीरो मतलब जीरो, मतलब हुआ ये माइनस का टू इंटू जीरो, और इधर कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स वन, किसकी वैल्यू होती है बताइए, साइन में साइन पाई बाई टू, साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन पाई बाई टू, गला थोड़ा सा खराश हो गई लग रहा तो माइनस का टू इंटू जीरो इज जीरो, और इधर बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज एक्स, वैसे पाई बाई टू, तो बच्चों पाई बाई टू माइनस जीरो इज पाई बाई टू, यस, सो एक्स इज इक्वल जीरो इज करेक्ट। ओके सो नाउ एक्स इक्वल जीरो इज योर परफेक्ट आंसर, इट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले ले, जबरदस्त। चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से वही चीज कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए टेन इनवर्स ऑफ टू कॉस ब्रेकेट टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, मतलब बच्चों ये कहीं ना कहीं फिर से वही बात लिखी हुई है, टू साइन इनवर्स एक्स, दो नंबर का क्वेश्चन है, उड़ाना है, लगाना नहीं उड़ाना है आपको पेपर में। तो फिर से वही चीज कि 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो फिर से कॉस 2 थीटा क्या होता है, जल्दी जल्दी करो, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चाहिए चाहिए, सही है। तो हम लोगों ने क्या ले रखा था, लेट किया था कि साइन थीटा इज एक्स लिया था, सही है। तो तुरंत क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, सही है। और यहां पर रुको थोड़ा सा, कॉस टू थीटा इज, कॉस टू थीटा इज वन माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने साइन थीटा की जगह पर क्या लिख रखा है, एक्स। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो टू थीटा इज कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, सही है बच्चों, कुछ नहीं, अभी पहले ही वाले क्वेश्चन में जैसे किया था बस वैसे ही करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स, तो मतलब टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम यहां पर कॉस लेकर बैठे और अंदर आना चाहिए क्या कॉस इनवर्स, तो आ गया ना टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब टू साइन इनवर्स अगर हमसे कहा जाए वन अपॉन टू, टू साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर अगर हमने वन अपॉन टू रख दिया, मतलब टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू रख दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स वन माइनस टू इंटू वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिला, यहां से अगर हम देखें तो हमें मिला हेयर, हेयर चाहे तो रफ वर्क है आपका, दिखाते हैं आप कॉपी पे, टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू इज कॉस इनवर्स वन माइनस टू इंटू वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर इज वन अपॉन फोर, सही है, टू टू जा फोर, तो मिल गया कॉस इनवर्स वन माइनस वन अपॉन टू, बच्चों ये कितना होता है, ये होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन टू, या फिर इसको कितना लिख सकते हैं,
में हम चाह रहे हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे 1/2। बताइए कॉस में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, किस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? पाई बाई 6 की, है ना, कि पाई बाई 3 की? बताओ किसकी? कॉस कितना 1/2 होता है? 60 डिग्री, है ना, कॉस 60 होता है। बिल्कुल यहाँ पे कि 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। आइए तो नाउ हमें क्या चाहिए था, हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि टेन इनवर्स ब्रेकेट में 2 कॉस, आज की डेट में 2 साइन इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, देखो ध्यान से, 2 साइन इनवर्स 1/2, ये देखो लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स 1/2, हो गया बच्चों। और यहां पर देखने वाली चीज है कि टेन इनवर्स 2 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है, मतलब 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? टेन इनवर्स 1, ठीक है। और टेन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन में, क्योंकि टेन इनवर्स है इस साइड हमें टेन चाहिए, बताइए किसकी वैल्यू होती है? 1, 10 पाई बाई 4, 10 45 डिग्री ना, तो 10 पाई बाई 4 लिख दो, आंसर इज पाई बाई 4, इसका करेक्ट आंसर होगा पाई बाई 4। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन किससे बिलोंग कर रहा है? कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी से बिलोंग कर रहा है, साफ साफ दे रखा है क्या? आइए कैसे पता करेंगे कॉन्टिन्यूअस का है? साफ साफ दे रखा है सर, यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूअस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के, के की वैल्यू बताइए, सो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है गिवन बिलो इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन है पूरा, है ना, और ये पूरा का पूरा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये बात पहले ही बता देगी कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, ये सब तीनों के तीनों इक्वल होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहली बात तो पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों? एक्स इज इक्वल 0 दे रखा है, ये तीनों के तीनों ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, सही है। हेयर सॉल्यूशन देखें, यहां पे हेयर गिवन इक्वेशन गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पहले ही बता दिया गया फंक्शन आपका पहले ही से बेटा कॉन्टिन्यूअस है, खुशी की बात है। तो तुरंत सबसे पहले बेटा एक काम करो कि एफ ऑफ जीरो देखो, एफ ऑफ जीरो कहीं पर एक्स इक्वल जीरो दिया गया है, मतलब क्या कहीं पर एक्स इक्वल जीरो है? सर इसमें, अरे भैया उसमें कहां से हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा है बच्चों, क्या बात कर रहे हो। दूसरा लेस देन और इक्वल, हाँ सर ये वाला सही है, यहाँ पर हमारे मन की चीज़ है कि x इक्वल जीरो है, और अगर x इक्वल जीरो है तो मतलब जहाँ x होगा उसकी जगह पर फंक्शन में आप क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे, हाँ सर यहाँ लिखेंगे, यही तो वो जगह है, तो आओ लिखते हैं। तो दैट इज k साइन पाई बाई 2 ब्रेकेट 0+1, सही है। रिजल्ट क्या है? k इंटू साइन पाई बाई 2 सर, चलो छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, 0+1 इज 1, मतलब साइन पाई बाई 2 इज ऑल्सो 1, तो क्या बात है, के इंटू 1 इंटू 1 मतलब इज के। अब यहाँ पर एफ ऑफ जीरो निकाल लिया, अब डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर कि हम राइट हैंड लिमिट निकालें कि एलएचएल निकालें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो, क्या कि अगर तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, बात को समझना, देखो यहाँ पे अगर तुमने धोखे से भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो मतलब क्या लिख रहे हो तुम? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेफ्ट ऑफ एफ एक्स, मतलब जीरो लेफ्ट का मतलब एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो कहां पर है? सर यही तो है, देख लो एक्स लेस देन जीरो यही तो है, जीरो लेफ्ट का मतलब वैल्यू जीरो से कम, एक्स की वैल्यू जीरो से कम मतलब लेस देन जीरो, फिर तो वही फंक्शन मिल गया। तो बेटा के की वैल्यू तुमसे पूछी कि बार बार के खेलते रहोगे क्या? तो फायदा क्या है, आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक्स ग्रेटर देन, मतलब आपको चाहिए होगा राइट हैंड लिमिट, ये तो बिल्कुल यूजलेस हुई। आपको क्या चाहिए? आरएचएल, मतलब आपको इन दोनों से काम हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट अगर आप देखें तो आपकी आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो राइट ऑफ एफ एक्स, मतलब कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो राइट का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन आपका ये रहा, एफ एक्स आपका
ये रहा, आइए जीरो राइट, एफ एक्स हो गया टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, सही है। और लिमिट की थ्योरी कहती है कि लिमिट अगर एच अप्रोचेस टू जीरो लगाया तो एक्स के प्लेस पर कौन आएगा, जीरो प्लस एच, क्योंकि पॉइंट किस पर दे रखा है, जीरो पे। तो टेन जीरो प्लस एच माइनस साइन जीरो प्लस एच अपॉन, बच्चों ये कितना हो जाएगा एक्स के प्लेस पर, जीरो प्लस एच टू द पावर थ्री, है तगड़ी चीज। आइए तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टेन एच, टेन जीरो प्लस एच टेन एच, टेन एच माइनस का साइन एच अपॉन में एच क्यूब आप लिख सकते हो, ठीक है। अब टेन एच को क्या लिख सकते हैं, टेन एच को लिख सकते हैं साइन एच अपॉन कॉस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इधर आएंगे थोड़ा सा, टेन एच को क्या लिख सकते हैं साइन एच अपॉन कॉस एच, और माइनस का साइन एच अपॉन वन कर दो, सबसे अच्छा है। अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में एच क्यूब आपका चल रहा है, सही। थोड़ा सा इधर का पोर्शन चाहे तो हम लोग रफ कर सकते हैं, नीचे का जरा हमें देखना भी पड़ेगा कि आपको कितना दिख रहा है, कहाँ पर स्पेस है, बिल्कुल सही जगह पर हमने छोड़ा है इसको। चलिए भाई इसको हटाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हटा देते हैं, ठीक है, हटाया। आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये हम पूरा हटा दें तुम जानना। एफ ऑफ जीरो आपका कितना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ जीरो कितना है बेटा के, हमें बस आर एच एल निकालना है, के की ऑटोमेटिक वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मैं ये भी हटा देता हूँ, जान लो लिखने का तरीका यही रहेगा। तो भाई आओ आओ भाई, तो आर एच एल कितना चल रहा है, आर एच एल आपका आ चुका है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। आपने अगर दो एलसीएम क्या लोगे, आपको कॉस एच लोगे एलसीएम, यहाँ पर इस पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम आपका कॉस एच, और कॉस एच किसका मेंबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, मतलब यहाँ पर बचेगा एच क्यूब इंटू कॉस एच, सही है। अब जब कॉस एच अगर तुमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो साइन एच ही आएगा, और माइनस का बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एच कॉस एच, क्योंकि कॉस एच है डिवाइड बाई वन तो कॉस एच, और कॉस एच इंटू साइन एच इंटू कॉस एच, साइन एच इंटू कॉस एच, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो एक चीज़ और, यहाँ से अगर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हैं, साइन एच सबको दिख रहा है कि कॉमन है, तो साइन एच कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। बचा क्या, वन माइनस का कॉस एच, और इधर चल रहा है एच क्यूब इंटू कॉस एच, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे जिससे पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि स्पेस इतने में हो पाएगा, थोड़ा सा और ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इज्जत देने वाला क्वेश्चन है भैया, इज्जत दो इसको, साइन एच और इंटू वन माइनस कॉस एच, क्या वन कैंसिल हो पाएगा, हाँ हो सकता है, फार्मूला है हमारे पास, हमारे पास फार्मूलों की कमी नहीं है। वन माइनस कॉस एच का फार्मूला क्या हो सकता है, जैसे ये वन कैंसिल हो जाए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, ये वो फार्मूला है, सही है, ये वो फार्मूला है। तो अगर अपॉन में तुम्हारा एच क्यूब इंटू कॉस एच चल रहा है तो सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया आपका साइन एच और इंटू, जरा ओपन करना बेटा, वन माइनस का वन माइनस माइनस, ये कितना हो गया प्लस, टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, और ब्रैकेट में आपका आया एच क्यूब इंटू कॉस एच, सही है, ये आ रहा है। तो वन से वन आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या सिचुएशन बन रही है, टू तो आप चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच इंटू टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, देखना, और अपॉन में आया है, मैं इसको लिखता रहता हूँ एच इंटू एच स्क्वायर, अभी रीजन बता रहा हूँ क्यों, इंटू एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर, और इंटू में अपना कॉस एच चल ही रहा है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन बन चुकी है यहाँ तक की। आइए भाई थोड़ा सा अब इधर देख लेते हैं, इधर जगह है हमें दिख रहा है, इधर थोड़ी सी जगह है, ध्यान से देखो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज रहेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। बेटा लिमिट की थ्योरी क्या कहती है, कि आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो इस तरीके से, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच अपॉन एच,
सबसे पहले तो साइन एच अपॉन एच, सही है। और इनटू में अगर हम देखें, इनटू में यहाँ पर कॉस एच, एच के प्लेस पर जीरो लिखोगे, अगर यहाँ पर एच के प्लेस पर जीरो लिखोगे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये बात समझने की बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो वन ही होगा, खेल तो इसमें है। इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट को इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हो पार्ट में। और टू चल रहा है यहाँ पर, ये वाला टू, और क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, ठीक है। मैं तो एक कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, टू को बिल्कुल बाहर कर लेते हैं, टू यहाँ पे लिख लेते हैं, टू जो बचा वाला है, ठीक है, वहाँ तक दिख रहा है, हाँ ये वाला टू आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला टू है, कौन सा वाला बेटा, ये वाला टू, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो इस समय, साइन एच अपॉन एच। तो ये सबको पता है इसकी वैल्यू क्लास इलेवेंथ में कितनी थी, वन थी, तो ट्वेल्थ में क्या बदल जाएगी, वन ही रहेगी, ठीक है। फाइनली ये तो वन ही हो गया, इधर का टू लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, टू इंटू वन, और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन स्क्वायर एच अपॉन टू है, और डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है, एच स्क्वायर चल रहा है, जरा देखना डिनोमिनेटर में कर सकते हैं कितना, यार यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, चलो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए जिससे आपको समझ में आ जाए, टू इंटू वन लिमिट साइन स्क्वायर, छोटा सा लिख रहा हूँ समझो, और कोशिश बहुत ज़्यादा करो, एच स्क्वायर, सही है, ये वाला एच स्क्वायर, साइन स्क्वायर एच अपॉन टू अपॉन में एच स्क्वायर। अगर ये साइन एच अपॉन एच अगर हो सकता है जी वन, तो स्क्वायर में अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर एच अपॉन टू, और अपॉन में क्या होना चाहिए बोलो, अपॉन में क्या होना चाहिए बोलो, बोलो क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, चाहो तो ब्रेक करके देख लो, क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से देखना, अपॉन में होना चाहिए कितना, अगर लिमिट, मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, साइन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एच अपॉन टू है, ठीक है, और अपॉन में कितना है, एच स्क्वायर, इंपॉर्टेंट जगह क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है जिसमें बच्चा समझ नहीं पाता, बस इसको ही समझना है। तो अगर यहाँ पर साइन एच अपॉन एच था, यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिमिट ध्यान से देखना एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन टू अपॉन में एच, फिर से इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन टू अपॉन एच। तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके, और यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, इसको ध्यान से देखना, ये है अपना वन, ये चीज़ यहाँ पर देखोगे तो ये वाला टू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, है ना बच्चों, ये वाला टू क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ समझो। तो इस टू को अब समझो थोड़ा सा, कहाँ से लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, टू इंटू वन, ये चीज़ इसके बाद आप यहाँ देखें, इसके बाद यहाँ देखना, टू इंटू वन, ये तो वन ही हो गया, और इसको साइन स्क्वायर, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन स्क्वायर एच अपॉन टू अपॉन एच स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करिए, ठीक है। क्यों ये टू से मल्टीप्लाई किया गया, टू से डिवाइड, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एच अपॉन टू है, तो यहाँ भी एच अपॉन टू होना चाहिए, तो मैं इसीलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड, सेम थ्योरी में, यहाँ पे स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर एच अपॉन टू था, तो साइन एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, इस फॉर्म में कर दिया। तो जो सिचुएशन बनी जाके वो बड़ी अजीब सी बनी है, वो कितनी बनी है, इधर देखें, ये तो बनी हो गया, इसको लिखा है तुम लोगों ने लिमिट, मैं लिख देता हूँ एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच बाई टू अपॉन में टू इंटू एच अपॉन टू, और फिर से तुम लोगों ने लिखा है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन टू थोड़ा अपॉन में टू इंटू एच अपॉन टू, ठीक है। इस टू को मैं लिख रहा हूँ सबसे बाहर, मेरी बात को समझना है, आप चाहें तो इस टू को इसके टू के साथ कैंसिल कर दो, तब जाके क्या आ रहा है, अच्छा ये टू रह गया, मतलब एक तो वन अपॉन टू रह गया। अब यहाँ पर जो बचा है वो देखें, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू, सही है, और इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू, बेटा इन दोनों की वैल्यू होती है वन, तो फाइनल आंसर इज वन अपॉन टू। मतलब क्या हुआ कि आर एच एल क्या हो गया, वन अपॉन टू, तो के की वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू। मैं देख लूँ कि दिख रहा है तुम्हें, दिख तो बेटा पूरा रहा है तुम्हें, बहुत सही, बहुत तगड़ा, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए तो बच्चों एक और सबसे अच्छा, सबसे गजब का क्वेश्चन देखें, ये
सब गजब है ये बेटा, सारा गजब है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही जबरदस्त, आपके टेस्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर देखें तो यही है, बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है ये क्वेश्चन। जरा आइए देखते हैं। चलिए हमें दिखाना है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, ये दो फंक्शन दे रखे हैं अलग 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 कंडीशन के साथ। जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल वन है तब ये है, अगर एक्स लेस देन और इक्वल वन है तो ये है। इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल वन। कॉन्टिन्यूअस तो है बच्चों, ये भी दिखाना है आपको, शो दिखाना है, शो करना है ना, शो दैट, प्रूफ करिए कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, बट हाँ एक चीज़ तय है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए तो क्वेश्चन इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हेयर प्रूव कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हेयर एफ एक्स क्या है, हेयर एफ एक्स इज मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, साइन। दूसरा ये कब है, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 है, ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट की केस में लगेगा ये, है ना, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल 1 पर भी यही है ना, और साइन पाई एक्स अपॉन 2, इसमें एक्स कैसा हो गया, लेस देन 1, ठीक है। तो पहली बात तो आप कॉन्टिन्यूअस दिखाइए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको किस पर दिखाना है, कॉन्टिन्यूअस आपको जो भी दिखाना है एक्स इक्वल 1 पर दिखाना है, ठीक है। तो मतलब आपको चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सबसे पहले हमें चाहिए किस पर, एट एक्स इज इक्वल 1 पर हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाने दिखाना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट, मतलब क्या होना चाहिए। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। बेटा किस पॉइंट पर दिया गया, एक्स इक्वल 1 पर, मतलब 1 पे, तो एफ ऑफ 1 सबसे पहला टारगेट। तो एफ ऑफ, नाउ प्रूफ देखें, ठीक है, वैसे प्रूफ तुम लोगों ने लिख रखा था, चलो यहां लिख दो प्रूफ, एफ ऑफ 1 पहला टारगेट। चेक करो कि कहीं पर एक्स इक्वल 1 दिया गया है वहीं पर तो फंक्शन निकलेगा, ये है वो, ठीक है, एफ इक्वल 1 यहाँ यही पर है ना, एक्स इज इक्वल 1 पर दिया गया, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 1, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मतलब समझो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, हमें ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1 क्या होता है, मतलब आपको ऐसा एक्स चाहिए, अगर यहां पर ऐसे लिखा हो एक्स, ठीक है, मतलब इसका क्या है कि आपको एक्स एस कैसा होना चाहिए आपका, लेस देन और इक्वल, ठीक है, कैसा होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए जो लेस देन और इक्वल 1 हो। तो भाई साहब एक बात बताओ, देखना जरा, 0 फिर 1, अब हमें 1 पर ही चाहिए, तो यहां पर इक्वल भी तो लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल, चीज़ों को देखो, अगर यहाँ पर वो पूछ देते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 पूछते हैं, ठीक है, 1.2 मतलब यहाँ पे, तो 1.2, अब लेस देन और इक्वल 1.2 कौन होगा, वो भी इंटीजर होना चाहिए, तो क्या होगा, 1 होता आंसर, 1.2 है ही नहीं तो 1 है, 1 के लिए तो बेटा 1 ही रहेगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3, 2 बन जाए 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 और ये तो 1 ही होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो माइनस ऑफ माइनस 1 मीन्स ये तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1 1 ही होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 होगी और राइट हैंड लिमिट भी 1 ही निकलनी चाहिए अगर है तो, यार प्रूफ करना है और वो भी कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो दोनों के दोनों सब 1 ही होने चाहिए। ट्रिक तो समझी में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी अब कैसे भी हो 1 लाओ लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट पे एफ एक्स क्या होगा, ये तुम्हारा काम है, और दूसरा काम तुम्हारा है कि राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 राइट पर एफ एक्स क्या होगा, ये तुम्हें सोचना है, तुमको सोचना है और किसी को नहीं, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट का मतलब एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 यहां पे, तो आपका एफ एक्स तो ये हुआ फिर, मतलब ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट पर एफ एक्स कितना हुआ, साइन पाई एक्स बाई 2, ठीक है। अब अगर हम एच फॉर्म में जाते हैं तो ये हो गया लिमिट
एच अप्रोचेस टू जीरो एक ही फॉर्म में रखा करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी से करते हैं, साइन पाई बाई टू और x के प्लेस पर क्या लिखोगे, वन माइनस एच, सही है। और h तुम्हारा अगर जीरो होता है, h अप्रोचेस टू जीरो h के प्लेस पर अगर जीरो लिखते हो तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है बेटा, वन ही होता है, कुछ भी कर लो ये, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं आर एच एल के केस में कि लिमिट x अप्रोचेस टू वन राइट, अब की बार x ग्रेटर देन वन होना चाहिए, x अप्रोचेस टू वन राइट, वन राइट का मतलब x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए, बताओ ढूंढो, ग्रेटर देन वन यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ टू इंटू एक्स माइनस थ्री और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। आइए जरा h फॉर्म में करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो तो ये हो गया टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एच माइनस थ्री और वन प्लस एच, एच अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब यहाँ भी जीरो, तो वन मॉडुलस ऑफ वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन, तो वो वन ही रहेगा, ठीक है, जैसे पहले ऊपर वाले में रहा था, यहाँ पर भी वन ही रहा है। और इधर जो आया है वो कितना आ रहा है, एच जीरो रखा तो टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, और ये मिलेगा क्या बेटा, एच तो जीरो हो गया तो वन प्लस जीरो इज वन, तो टू इंटू वन इज टू, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, तो मॉडुलस ऑफ माइनस वन इज वन इंटू वन, रिजल्ट इज वन, मतलब ये बात सही है कि ये कॉन्टिन्यूस है, यस इट इज कॉन्टिन्यूस, यस इट इज कॉन्टिन्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी बराबर आई है, राइट हैंड लिमिट भी वन आई है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट प्रूव्ड इट, हैंस हैंस एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट वन इज कॉन्टिन्यूस एट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल वन पे। मजा इसमें नहीं है, मजा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिबिलिटी प्रूफ नहीं करनी है, बट वो क्या लिखा है, नॉट डिफ्रेंसिबल दिखाना है हमें, ठीक है। आइए तो बात करते हैं एफ ऑफ वन, ध्यान रखिएगा एफ ऑफ वन की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब की बार हमें क्या दिखाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफर है, ठीक है। आइए भाई देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 कितना होगा, बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 कितना होगा, चलो बताओ। अच्छा 1.2 कितना होगा, 1, तो 0.9 कितना होगा, 0.9 इज ये रहा 0.9, थोड़ा सा देखो 0.9 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा हूँ, बताओ भाई ये 0 हो गया, ये 1 हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो 0.9, तो उसके रिस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, हमें ऐसा डिजिट चाहिए 0.9, ऐसा इंटीजर चाहिए जो लेस देन और इक्वल 0.9 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इंटीजर, यहाँ पर बताओ इंटीजर, तो इंटीजर कौन है, केवल बेटा 0 है, तो आंसर इज 0 तगड़ा है। चलो अगला हमें क्या दिखाना है, नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दिखाना है, ये टारगेट है हमारा, ठीक है। आइए तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन लेफ्ट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ए कौन है बेटा, ए है तुम्हारा इस समय वन, तुम किस पर निकाल रहे हो, तुम चेक कर रहे हो किस पर, एट एक्स इज इक्वल वन पे चेक कर रहे हो, तभी तो वन लेफ्ट लिखा, अपॉन में एक्स माइनस वन, सेम आर एच डी के लिए, आर एच डी थोड़ा यहां पे करते हैं, आर एच डी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन राइट, फिर से वही चीज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, सेम वही, अंतर देखो क्या आएगा, अंतर बेटा इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, जब आप लिखते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन लेफ्ट, तो वन लेफ्ट पर एफ एक्स तुम्हारा वही होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट में था, लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब वन लेफ्ट का मतलब लेस देन वन, तो ये हुआ साइन पाई एक्स अपॉन टू, सही है, और एफ ऑफ वन तो वन ही था, है ना बच्चों, अपॉन में कितना आ गया था एक्स माइनस वन, ठीक। अब आपको रखना है यहां पर एक्स के प्लेस पर कितना रखोगे, एच फॉर्म में अगर आते हैं
तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स के प्लेस पर वन माइनस एच रखोगे जाके, साइन पाई बाई टू ब्रेकेट में वन माइनस एच, समझो ठीक है, वन माइनस एच, और माइनस का वन अपॉन में एक्स के प्लेस पर कितना लिख रहे हो बेटा, वन माइनस एच और माइनस का वन, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, तो हुआ क्या, जल्दी बताओ भाई क्या बचा, वन से वन कैंसिल आउट, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया साइन, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिखा है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई बाई टू माइनस का, मल्टीप्लाई करना अंदर, पाई बाई टू इंटू एच, सही है, माइनस का वन अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, माइनस का एच आ रहा है, ठीक है, इसको बाद में करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, अभी थोड़ा सा देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये देखो ऐसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है कॉस, है ना। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कितना बचा, कॉस, कॉस कितना हो गया ये पाई बाई टू इंटू एच, ठीक है, माइनस का वन अपॉन में कितना हो गया माइनस का एच, चेक कर लो पूरा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत स्पेशल केस है बच्चों। लिमिट में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम पढ़ी है, एक चीज़ों को पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर यहाँ पर एच अप्रोचेस टू जीरो रख रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा एच जीरो, ये पूरा कॉस जीरो, मतलब वन, और वन माइनस वन कितना होता है बेटा जीरो, ध्यान से देखना, जीरो अपॉन में, यहाँ भी तुम एच जीरो रख रहे हो तो ये भी उसका मतलब जीरो अपॉन जीरो, तो ये इनडिटर्मिनेंट की थ्योरी है, तो उसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अगर हम इसको डी बाई बाई डी एच करते हैं, ठीक है, क्यों एच फॉर्म में कर रहे हैं वो सबको पता है, कॉस पाई एच अपॉन टू, ठीक है, माइनस वन, ये माइनस का वन आपका चल रहा है प्रॉपर, ठीक है, और अपॉन में डी बाई डी एच ऑफ माइनस का एच, ठीक, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो डी बाई डी एच कितना हो जाएगी, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस का साइन, मतलब माइनस का साइन पाई एच अपॉन टू, ठीक है, ओके। और इधर से अगर तुमने ये डिफ्रेंशिएट किया, यहां पे कितना बचेगा, पाई एच अपॉन टू है ना, और फिर तुम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको डी बाई बाई डी एच ऑफ पाई एच अपॉन टू, भाई अगर कॉस एक्स स्क्वायर है तो आपका आंसर क्या आता है, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी तो करते हो, तो वैसे ही किया है, डी बाई डी एच ऑफ पाई एच अपॉन टू, और माइनस का ये तो कॉन्स्टेंट टर्म, ये तो वैल्यू जीरो ही होगी, अपॉन में ये चीज क्या आ गई, माइनस का वन, ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, ठीक ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, यहां पे लिमिट एच अप्रोच जीरो करेगी, तो ये चीज यहां पर एच की प्लेस पर आप जीरो रखोगे ना, तो ये अब जीरो रखोगे तो ये साइन जीरो, मतलब जीरो, मतलब ये सब कुछ जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसका जीरो आया, मजा तो आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव में, देख लो जरा एक बार। यहां पर हम लोगों ने किसका यूज किया, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल एच रूल, क्लास इलेवेंथ, क्लास इलेवेंथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देख ले फिर राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। अब बच्चों बारी है किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव, सबसे डेंजर यही है, ठीक है, बच्चा घूम जाता है एक तरीके से, आइए देखते हैं। तो अब यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, एल एच डी तो अपना देख लिया जीरो आया था, आर एच डी देखते हैं कितना आ रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन राइट, वन राइट पर एफ एक्स आपका कितना होगा, ऐसे ही एफ एक्स डिसाइड कर लो, यही तो हुआ, मॉडनस ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, भाई एक्स ग्रेटर देन वन पर क्या आएगा, यही तो आएगा टू एक्स माइनस थ्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस का क्या होता था एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन पर कितना आया था, शायद कितना आया था वैल्यू, वन ही आई थी, अपॉन में
एक्स माइनस वन, ये तो था। अब आओ जरा यहाँ पर, अगर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो करते तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ टू टाइम्स ऑफ वन प्लस एच माइनस थ्री और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच माइनस वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन। ये देखो ध्यान से देखना, ये तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो मॉडुलस ऑफ टू प्लस टू एच माइनस थ्री और इधर आया आपका वन प्लस एच माइनस वन, ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है एच। अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एक एक चीज। टू प्लस टू एच माइनस थ्री मीन्स मॉडुलस में आया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, मॉडुलस में आ गया कितना टू एच माइनस वन, यही तो हुआ। और ये आया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एच माइनस वन अपॉन में एच, ठीक। देखिए अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि मॉडुलस में अगर वैल्यू लिखी है 2h माइनस वन लिख रखा है, ठीक है, कितना लिख रखा है 2h माइनस वन, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पर अगर हम देखें तो h के प्लेस पर अगर आप डायरेक्ट जीरो रख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस जीरो मीन्स वन, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके प्लेस पर लिखोगे आप वन, सही है। यहाँ पर बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर 2h माइनस वन में देखें और h अप्रोचेस टू जीरो मतलब h लेस देन जीरो के लिए ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी निगेटिव, मतलब ये पूरा अगर निगेटिव है h अप्रोचेस टू जीरो के लिए ये चीज़ कैसी हो जाएगी मॉडुलस में। आपको याद होगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल क्या होता था, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल क्या होता था, ये तीन क्वांटिटी होती थी x निगेटिव x जीरो, ये तब होता था जब x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये तब था जब x लेस देन जीरो, और ये कब था जब जीरो हो, ठीक। तो अगर x लेस देन जीरो मीन्स अगर h अप्रोचेस टू जीरो है तो उस केस में ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी निगेटिव। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ध्यान से देखो इसको लिख रहे हैं लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, इसको निगेटिव लिख रहे हैं तो माइनस ऑफ ये चीज़ कितनी होगी, माइनस ऑफ टू एच माइनस वन, ये तो आपका वन ही है, ठीक है, और माइनस का माइनस का वन, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया ये एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये हो गया माइनस का टू एच प्लस का वन माइनस का वन अपॉन एच, वन से वन कैंसिल। और बेटा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो से पहले यहाँ पे माइनस टू एच अपॉन एच है तो एच और एच कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, और एल एच डी कितना आया था जीरो आया था। तो यहाँ पे हेयर एल एच डी डज नॉट इक्वल आर एच डी, ठीक है, क्योंकि आर एच डी आया माइनस टू, दैट्स इट। ये स्पेशल चीज थी इसकी और समझने वाली चीज ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, यहां पर क्या लिख रखा है कि डिफ्रेंशिएट करिए किसको, टेन इनवर्स वन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है एट, क्वेश्चन नंबर एट चल रहा है आपका, ठीक है। तो टेस्ट आपका जो हुआ था उसके सारे सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चन की कोशिश है कि सारे हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नाउ कोशिश होगी जितने हो जाए आप सबको भेज दिए जाए पूरे पहुंच जाए आपके पास। इस तरीके के डिफरेंशिएशन में कोई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चीज़ आप लोगों ने जब पढ़ रखा है, ये अगर बाई होता था और ये एक्स होता था तो आप क्या निकालते थे, आपको कहते थे कि बाई को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपको निकालना होता था डी बाई बाई डी एक्स, ये तो था। अब की बार इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इसके, कितना खतरनाक लग रहा है ना देखने से, ऐसा है नहीं, बहुत ही हलवा है। देखो नाउ अगर हम लेट कर लें, ये इस केस में आप लोग लेट ही करते हो, यू इज इक्वल क्या आ गया टेन इनवर्स वन प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स एंड वी इज इक्वल रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आप आज इसको लिख रहे हो यू, ये क्या लिख रहे हो यू, और ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू इसको लिखा वी, मतलब आपको चाहिए डी यू अपॉन डी वी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी यू अपॉन डी वी, मतलब कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां भी और उसको भी, ठीक है।
तो इसका डी यू, अब उससे पहले एक बात समझो, डिफ्रेंसिएशन से पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, ये टेन इनवर्स क्या लिख रखा है, ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स वन प्लस टू एक्स क्या होता था, ये याद करो, ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ठीक है। अब देखो जरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस यहां पर देख लो, वन माइनस वन इन टू, ऐसे कर सकते हैं, आपको ये समझना होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई क्या होता है, ये बताओ, यही फॉर्म लिखी गई, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होता है। तो वैसे ही अगर हम यहां पर बात करें तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर कौन है बेटा वन, और प्लस टेन इनवर्स वाई के प्लेस पर कौन है टू एक्स, ठीक है, हो गया आसान। अब करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डी यू अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, अब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वन, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टू एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स तो सबको पता है, ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है, तो क्या लिखते हैं बताओ, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस टू एक्स टू द होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखोगे, वन बाई डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा एक्स तो टू एक्स है ना, तो एक्स के प्लेस पर ये लिखोगे। अब एक चीज रह गई है, आपको डी बाई डी एक्स इसका भी तो करना पड़ेगा, इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स, ये करना क्यों भूल जाते हो, ये बहुत जरूरी है, इसी वजह से गलत हुआ होगा तुम लोगों का, प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ये हुआ, और इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्या बचा, टू तो कांस्टेंट है और टू तो बाहर आ गया, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, मतलब आपका चला है क्या, टू बचा है, टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स। जरा इधर के बारे में बात करूँ, ये मैंने क्यों छोड़ रखा है, इसके पीछे का रीजन देखो, टेन इनवर्स ऑफ वन लिखा है, तो अगर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टेन इनवर्स ऑफ वन, वन को क्या हम टेन फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, टेन पाई बाई फोर, सही है, टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर, तो कितना भी कर लो तुम, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन बेटा नहीं होता, वो तो जीरो ही रहता है, प्लस इधर क्या बचा, टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, समझे। तो ये था आपका इसका डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है, देख ले, थोड़ा सा हमें लग रहा नीचे आना पड़ेगा, टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आओ जरा वी में आ जाओ, इसका देख लो वी वाला, तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया, ये भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे, कितना होता है रूट में, रूट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का, वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और किसका डिफरेंशिएशन, इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ, बेटा इस पूरे टर्म का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो क्या बचेगा, वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ वन जीरो, और फोर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ, फोर इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, फोर तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, और टू से टू कैंसिल, मतलब बचा क्या, फोर एक्स अपॉन रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। तो हमें ना तो डी यू अपॉन डी एक्स निकालना था, ना डी वी अपॉन डी एक्स, बट हाँ हमारी ज़रूरत तो इसी से पूरी हो पाएगी, जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक तो नहीं निकलेगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था डी यू अपॉन डी वी, ये देखो हमें क्या निकालना था, डी यू अपॉन डी वी, है ना, तो मतलब आप इसको लिख सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स और अपॉन में डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब कह सकते हो कि हमें डी एक्स से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर, तो डी यू अपॉन डी एक्स हम सब निकाल के बैठे हैं, ये रखा हुआ है, कितना है, टू अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और डी वी अपॉन डी एक्स ये थोड़ा बड़ा वाला अपॉन रहेगा, ये क्या आ गया, फोर एक्स अपॉन रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करो सही से, टू इंटू रूट में वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, फोर एक्स को इसके साथ, फोर एक्स इंटू वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, टू टू जा फोर, तो ये हो गया वन अपॉन
टू एक्स, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, रूट में वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर और अपॉन में वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। इसका एक आंसर और है, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको लिख सकते हो वन अपॉन टू एक्स, अब जगह नहीं बची, वन अपॉन टू एक्स, मैं बोल रहा हूँ सुनना, वन अपॉन टू एक्स ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बस इसके ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर से ये पूरा पोर्शन खत्म, वो वन होगा ठीक। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो पूरा। यहाँ पर अपने एक साथ दो क्वेश्चन ले रखे हैं, ध्यान से देखो, एक ये एक ये ठीक है, कोशिश करेंगे कि मोबाइल भी मेरा ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म होने का मतलब बैटरी स्विच ऑफ होने वाली, बट उससे पहले सारी चीज़ें खत्म हो जाएं ठीक है। कोशिश की एक साथ थोड़ा स्पीड में जल्दी जल्दी करेंगे, बट समझ में आना चाहिए, मोटो ये होगा। तो अगर हम यहाँ पर, हमें ये प्रूव करना है, ये चार नंबर के केस में आ सकता है, वैसे हमने छः नंबर का दिया था टेस्ट में तुम लोगों को, आईएससी की एक बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, बेहतरीन प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम आपकी आईएससी की थी, मतलब आईएससी की नहीं भी थी तो उसका टच था कहीं ना कहीं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रूफ की, इसकी देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ वहीं से शुरू होता है जहां से गिवन होता है कुछ, तो गिवन तो बेटा यही है केवल, हेयर y इज इक्वल कितना बेटा, साइन log x ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं, जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे दो बार लेते जाएंगे ठीक है। चलो तो अब हमें सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट क्योंकि पहला टास्क हमारा डिवाइड x ही है कहीं ना कहीं, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया, साइन लॉग एक्स का कितना होता है कॉस लॉग एक्स, और अब लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। अब एक काम करो एक्स डिवाइड एक्स इधर कर दो ठीक है, सही रहेगा या मत करो, डिफरेंशिएट फिर से कर दो, अगेन डिफरेंशिएट अगेन अगेन विद रिस्पेक्ट टू, ये इक्वेशन डाल लेना इक्वेशन नंबर सेकेंड ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, मुझे लग रहा कुछ चीज़ें हमें रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, जरा डी बाई डी एक्स का अगर डबल फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, मतलब आएगा वैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, ये आएगा है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, डिनोमिनेटर में कौन है, तो किस मैथड से जाएंगे, यू बाई वी, यू अपॉन वी मैथड से जाए, तो डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, और डिनोमिनेटर वही, और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स हो गया डिफरेंशिएशन, नहीं अभी लॉग एक्स का बाकी है बेटा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और माइनस 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 कॉस लॉग एक्स न्यूमिनेटर एज इट इज, यू बाई वी चल रहे हो ना कॉस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वो तो बनी होता है सर, कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते हो ठीक है। तो अब जो सिचुएशन बन रही इसको, हाँ इसी को मैं बोल रहा था, इसको एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई को मतलब इसका डबल डेरिवेटिव जब कर रहे हो या डिफरेंशिएशन अगेन कर रहे हो तो लिखने का पैटर्न ऐसे भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इधर बच्चों क्या क्या आ रहा है, इधर आ रहा है माइनस का साइन लॉग एक्स, तो माइनस का बाई लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो साइन माइनस का साइन लॉग एक्स और साइन लॉग एक्स तो बाई है, बट माइनस का बाई लिख देते हैं माइनस का बाई, और कॉस लॉग एक्स, तो कॉस लॉग एक्स बच्चों कहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन टू से ये कॉस लॉग एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, तो ये हो गया क्या माइनस का एक्स डी बाई बाई डी एक्स, तो सिंप्लीफाई किया एक्स डी बाई डी एक्स को इधर लाए, रिजल्ट हुआ तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लाओ इस साइड, तो ये हो गया प्लस का एक्स डी वाई डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल जीरो। तो ये था पहला प्रूफ जो कि कंप्लीट हो गया, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन जो इक्वेशन आप लोगों ने यूज की है तो उसको भी आप लिख सकते हो ठीक है, जैसे कि कॉस लॉग एक्स, अब ये वैल्यू कहाँ से मिली, यहाँ से मिली कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस लॉग एक्स कितना हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ दी थी। तो इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो थर्ड डाल के आप कर सकते हो ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट था
कि एक्स इक्वल ए साइन टी और वाई इज इक्वल ये दे रखा है, आपको चाहिए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था। तो चलिए चलते हैं सॉल्व करने का वही पैटर्न। सबसे पहले तो एक्स इज इक्वल देखते हैं, एक्स इज इक्वल कितना है ए साइन टी एंड वाई इज इक्वल ए ब्रेकेट में कॉस टी और प्लस लॉग टेन टी बाई टू। ठीक है चलो भाई, तो बताओ इसका डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस समय कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल कितना हो जाएगा ए कॉस टी, एंड इधर से अगर हम डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट रहेगा रहेगा, कॉस टी का कितना हुआ बेटा माइनस का साइन टी और प्लस लॉग टेन टी वाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, वन अपॉन टेन टी वाई टू सही है, लॉग टेन बाई लॉग एक्स होता तो वन अपॉन एक्स, तो वैसे लॉग टेन टी वाई टू का वन अपॉन टेन टी वाई टू, बट टेन टी वाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन टी वाई टू कितना हो गया सेक स्क्वायर टी वाई टू, सेक स्क्वायर टी वाई टू, और टी वाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है टी वाई टू, तो वन अपॉन टू ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टी वाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन अपॉन टू, ध्यान रखें। तो फाइनली ये चीज जो मिल रही है वो डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल ए ब्रैकेट में माइनस का साइन टी प्लस टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में चल रहा है ये वाला ध्यान रखना, तो वन अपॉन टू इसको लिख सकते हैं, टेन टी वाई टू को क्या लिख सकते हो साइन टी वाई टू अपॉन का कॉस टी वाई टू, मैं ऊपर लिखूंगा कॉस टी बाई टू ध्यान से देखना, इन टू सेक स्क्वायर टी बाई टू को क्या लिख सकते हो वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ध्यान से देखो स्क्वायर से ये कॉस टी बाई टू, इसीलिए लिख रहा था ऐसे नहीं लिख रहा था रीजन था, तो ये पावर से कॉस टी बाई टू कैंसिल। अब जो बचा है वो बचा है टू साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, क्या होता है साइन टी क्योंकि साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या हो गया टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर तो टी है, तो बचा माइनस का साइन टी और प्लस का वन अपॉन साइन टी, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे साइन टी बचा, ठीक है बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये आपका डी बाई अपॉन डी टी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये साइन टी को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन टी, तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन में साइन टी, ठीक है या इसको लिख सकते हो ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है वन माइनस का साइन स्क्वायर टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, या इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग लिख सकते हैं ए, इसको क्या लिखोगे कॉस टी, दो बार लिखा है ना कॉस स्क्वायर टी है ना, कॉस स्क्वायर टी सिंगल टाइम है बट वो पावर टू है ना, तो कॉस टी अपॉन साइन टी और इन टू फिर से लिखते हैं कॉस टी, कॉस टी, ठीक है कितना हो गया ये ए टाइम्स ऑफ ये हो गया कितना कॉट टी इंटू कॉस टी, ठीक है तो ये सिचुएशन बनी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था डी बाई वाई, पहली बात तो इसका डी वाई डी एक्स कितना होगा वो देखो पहले, डी स्क्वायर वाई पूछा है ना, तो आप टारगेट पहला रखो डी वाई डी एक्स निकालने का है ना, और सब बाद में मोबाइल देख ले स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, होने वाला है कितना बचा 10% चलो हो जाएगा अभी, तो डी वाई डी एक्स कितना हो गया, सो डी वाई डी एक्स इज डी वाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो यहाँ पे अब एक काम करो क्योंकि अपॉन में टी है तो सब में टी कर दो, डी टी से डिवाइड करो, इसको भी डी एक्स अपॉन डी टी करो, चलो बताओ डी वाई अपॉन डी टी कितना आया था, डी वाई अपॉन डी टी ये है ए कॉट टी इंटू कॉस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी कितना था ए कॉस टी, तो बेटा खुशी की चीज़ ये है कि ए और ए कैंसिल कॉस टी कैंसिल, मतलब क्या बचा कॉट टी और डी वाई बाई डी एक्स, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट अगेन कर दो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे वाह बड़ी स्पेशल चीज़, यहाँ पे फंक्शन टी में लिखा है, डिफरेंशिएशन किस में होना है एक्स में, क्यों क्योंकि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं चाहिए डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसको करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट
टी, सही, नामुमकिन है डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे, डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, इंटरचेंज करो, डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी, और इधर से कर दो डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ कॉट टी होता है माइनस का कॉसिक स्क्वायर टी, और इनटू डी टी अपॉन डी एक्स, कहीं पर देखो डी टी अपॉन डी एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा कितना, डी एक्स अपॉन डी टी ए कॉस टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए कॉस टी, वन अपॉन ए कॉस टी, ठीक है, ये आंसर में आप लिख सकते हो। कॉसिक स्क्वायर टी थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, ये आएगा पूरा, ठीक है, माइनस का कॉसिक स्क्वायर टी और इनटू वन अपॉन ए कॉस टी, तो वन अपॉन ए रहेगा, कॉसिक स्क्वायर टी को आप चाहो तो वन अपॉन साइन स्क्वायर टी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बताओ तो मैं कर दूँ पूरा रिजल्ट इसका, थोड़ा सा और देखते हैं नीचे कितनी जगह है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको माइनस का वन अपॉन साइन स्क्वायर टी और इंटू वन अपॉन ए कॉस टी, तो ये रहा डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं कल देखता हूँ मैट्रिक्स का, ठीक है, उसके लिए आप भी तैयारी करो, उससे मैट्रिक्स का क्वेश्चन ईजी था, ओके। चलो तो इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे।